हेलो एवरीवन, मेरा नाम सायर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बिशरा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को जैसा है सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस को शेयर भी किया करें। आज की जो वीडियो लेकर आ गए हैं, हम देखने वाले हैं रश्मि राठी बाय आशुतोष राणा है। ये एक एक्टर हैं, वो हमें बताएंगे रश्मि राठी क्या होता है। मुझे नहीं पता इस चीज़ का, आज वो एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आपको भी जानना है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं आखिर से। जब पांडवों का तृतीय सर्ग है ये रश्मि राठी का, और जब देखिए आधे से लोगों ने तो पढ़ी हुई है, रश्मि राठी पढ़ी है, देखिए क्या बात है। तो ये तृतीय सर्ग है कि जब भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर, शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि भाई मैं अंतिम प्रयास कर रहा हूँ, और इस अंतिम प्रयास की उपलब्धि ये होगी अगर युद्ध समाप्त हो जाए। तो वो क्या कहते हैं उस बात को, मैं जो दिनकर जी ने कहा है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे ना सका। सही बात है, दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बड़ा कर बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन संसार सकल मुझमें लय है, झंकार सकल अमृत फूलता है, मुझमें संघार झूलता है, मुझमें उदयाचल मेरा दीप्तिभाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज पर अधि बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, और दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर, दृघ हूं तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, शत कोटि सूर्य शत कोटि चंद्र शत कोटि सर सिंधु मंद, शत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शत कोटि जिष्णु जलपति धनेश, शत कोटि रुद्र शत कोटि काल, शत कोटि दंड दर लोकपाल, जंजीर बड़ा कर साधने, हा हा दुर्योधन बांधने, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां उसमें तू है, और मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख, अमर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, ओ पड़ जाती मेरी जित्र दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, क्या बात है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध ना सकता है वो मुझे बांध कब सकता है, और हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वैनी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, वायश्रगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के टूटेंगे। अगली लाइन क्या है आपको याद है, विश्वाण बूंद से छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा, भी सभा सन्न सब लोग डरे,
थी सभा सन सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल दो नर ना गाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे और कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय वाचन की अशुद्धियों के लिए क्षमा चाहता हूँ अगर कोई अशुद्धि प्रवाह में निकल गई हो तो हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ आपकी सबसे करीब यहाँ मैं बैठी हूँ मेरे रोंगटे इस वक्त खड़े हो गए आप में से जिस जिस के रोंगटे इस वक्त खड़े हुए एक स्टैंडिंग ओवेशन इस रचना के लिए सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर के लिए जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो भाई रश्मि रथी जो है ना वो ये जो उन्होंने सुनाया है ना वो ये था और इसमें पूरा में महाभारत जो है ना वो उसके बारे में वो बता रहे थे जो है ना दुर्योधन जंग शुरू होने से पहले ना कृष्णा जी उनके यहाँ एक प्रस्ताव लेकर गए थे इन्होंने बोला था कि वो हमारे यहाँ पे आए तो इन्होंने ये सोचा था कि कृष्णा जी की वजह से ही ये जो जंग है ना ये जीत सकते हैं तो क्यों ना हम उनको ही कैद कर लें फिर बाद में इन पे हम दावा बोल के ना कब्जा कर लेते हैं तो कृष्णा जी पांडव का पैगाम लेकर गए थे इनके ना हाँ तो इन्होंने ना पता क्या किया उन्होंने रचना बनाई हुई थी उनको कैद करने की तो कृष्णा जी को इन्होंने ना मतलब कैद करने की कोशिश की लेकिन वो तो है मतलब हाँ उनको तो कोई कर ही नहीं सकता तो उन्होंने भाई जो उनकी रचना बनाई थी ना वो कोई मतलब खत्म कर दी उस रचना को ना उनका तबाह हो बर्बाद कर दिया और वो जो जंजीर थे ना वो बांध ही नहीं पा रहे थे उनको तो ऐसी उसने रचना की उनका जंजीर जो है ना वो उन्होंने कृष्णा जी ने बोला कि दुर्योधन मुझे बांधो तुम बांधो देखते हैं कि कैसे तुम बांधते हो लेकिन वो बांधे ही ना गए फिर बाद में इस जंग में वो इन्होंने बताया ना कि जंग में भाई ही भाई का जो है ना खून हुआ कत्ल हुए और सारा कुछ इस संसार में क्यों हुआ सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए कि जो अच्छाई है ना उसको मतलब दुनिया में लाना जरूरी है वरना इस दुनिया में बुराई अगर होती तो वो जुल्म और सितम का एक बनता और कितना ज्यादा जुल्म होता तो इस धर्म में उन्होंने बोला था कि जिसकी भी कुर्बानी उन्होंने बोला कि मेरी खुद की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं जरूर दूंगा तो महाभारत अभी चल ही रही है हमारी भाई शहर रिएक्शन पे बना रहे हैं अगर आपको नहीं पता तो वहां पे भी जाके देखिए और आज की वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी अच्छी लगी लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलता है एक और नई वीडियो में थैंक यू।